आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सड़क सुरक्षा अभियान के दूसरे सीजन की हमारी इस खास मुहिम में आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में हम लेकर आए हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कशन का सबसे बड़ा मंच, सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर। उम्मीद करते हैं जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता अभियान में लगातार अपना परचम लहराया है, ठीक उसी तरह आज इंदौर में सड़क सुरक्षा अभियान के इस मंच से पूरे देश में रोड सेफ्टी का संदेश पहुंचे। और इस मुहिम के नॉलेज पार्टनर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर, इस नेशन वाइड कैंपेन का मकसद सिर्फ जिंदगी बचाना ही नहीं है, बल्कि ड्राइविंग बिहेवियर में सुधार लाना है। अगर कुछ आंकड़ों की ओर हम नज़र डालें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 4,61,000 से भी ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,68,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इनमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें लगभग 45% टू व्हीलर चालक शामिल थे और लगभग 20% मौतें पैदल चलने वालों की थी। भारत में हर दिन करीब 1,263 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर घंटे करीब 19 लोग इन घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है। सड़क सुरक्षा अभियान के इस दूसरे सीजन में हम 4 स पर फोकस करेंगे, सम्मान, संयम, सुरक्षा और सहयोग, जिनका मूल भाव संवेदना है। इसीलिए इस साल का हमारा सड़क सुरक्षा अभियान है संवेदना का सफर। आगे बढ़ेंगे, अब मैं आमंत्रित करूंगी News18 मध्य प्रदेश चैनल के न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जी से, अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर की इस मुहिम और वर्तमान समय में इसकी जरूरत के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा अभियान 2024 जो हमारी खास मुहिम है, इसमें आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। संवेदना का सफर नाम से जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आखिर सड़कों पर जो हादसे होते हैं, तो निश्चित तौर पर कानून भी इसके लिए बने हैं कि अगर सड़क हादसे में कोई घायल होता है उसकी आप मदद करके अस्पताल पहुंचाते हैं, या एक कहा जाता था कि अगर हम अस्पताल पहुँचाएँगे तो पुलिस से दो चार होना पड़ेगा, अस्पताल पूछताछ करेगा। उसी संवेदना को देखते हुए ये विशेष मुहिम हम लेकर आए हैं यहाँ पर, जिसमें सड़क हादसे, उनके कारण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सड़क हादसों से जुड़ी होती है। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वाहन और सड़क और ड्राइवर, ये सिर्फ वजह नहीं होती। अपनी सुरक्षा करने के अलावा वाहन चलाने के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा करना, ये भी हमारी महती जिम्मेदारी है। तो सुरक्षित चलना नहीं है, सुरक्षित चलाना है। और उसी चीज़ को संवारने के लिए, उसी संवेदना को पैदा करने के लिए हम लोग ये विशेष अभियान लेकर आए हैं। हमारे साथ यहाँ कई विशेषज्ञ मौजूद हैं। इंदौर शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक ACP साहब मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उमाकांत चौधरी जी हमारे पास है, और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा अभियान 2024 पर संवेदना, जो कि मूल भाव है हमारे लिए। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी प्रशांत कटारे को, और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ADCP ट्रैफिक श्री मनीष अग्रवाल जी को। श्री प्रशांत चौबे जी SP PTS उज्जैन इस बीच हमारे साथ मौजूद है, आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो हमारा ये खास सेशन जिसका थीम है जागरूक बने सुरक्षित रहे, क्योंकि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशांत, ओवर टू यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, पहले आपके पास आऊंगा। सड़क पर हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है, हादसे के कई बार सबब भी बनते हैं जब व्यवहार अगर गड़बड़ हो जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक घटना जो मुझे याद आती है, हमारे ही पलासिया चौराहे के पास रहते हैं, उस घटना को जब वो कहते हैं, उसका सारांश सुनाते हैं उस घटना का, उनका ये कहना था कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, एक व्यवहार ऐसा था सामने वाले का जिसमें मेरे बेटे की डेथ हो जाती है। घटना ये थी कि सामने से स्कूटर आगे चल रहा था, कार में उनका बेटा ड्राइव कर रहा था, और अचानक
ब्रेक लगा और उनका जो कार है उससे कोलिजन हो गया स्कूटर का, तो उसको लेकर वो इतना एनॉयड हो गया, हाथापाई पे आ गया। हाथापाई में वो यानी संयम खो दिया, दोनों ने संयम खो दिया। इतनी हाथापाई हुई कि पीछे वाला जो व्यक्ति मतलब जो कार चालक था वो नीचे जमीन पे गिरा, इधर से वो डंपर आ रहा था तो उसको जो है कुचल के चला गया। तो ये घटना जिसमें ना कार चालक की गलती थी, एक व्यवहार ऐसा था जो आपने अभी बात उठाई, व्यवहार होना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना है कि ठीक है, कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको हमें अपने व्यवहार से उस और अपने संयम से उस घटना से टाला जा सकता था उस घटना को। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। हमारी थीम ही है सम्मान, सुरक्षा, सहयोग और संयम। प्रशांत चौबे जी, ट्रैफिक प्रबंधन पर आपने बहुत काम किया है, नजरिया क्या है आपका, कैसे हम ट्रैक पर आ सकते हैं? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जागरूकता, के पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। जैसा कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक टर्निंग टूट में लंदन गए थे, तो लंदन में हम लोगों ने देखा कि जो सिटी बसेस हैं उनका टेक्निकल एआई थ्रू जो डेवलपमेंट किया है कि आप किसी स्टैंड पर जाते हैं तो आपको पता चलता है, वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है कि कितने मिनट में कितने सेकंड्स में कहाँ की बस आने वाली है। जब आप देख लेते हैं कि आपकी बस 3 मिनट, तो 3 मिनट से चौथा मिनट नहीं होगा, 3 मिनट के अंदर ही बस वहाँ पर आएगी और आपको लेके जाएगी। बस में आप जब सफ़र कर रहे होंगे तो बस में भी डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपका स्टैंड किस स्टैंड पर आपको उतरना है, कब आएगा, वो मिनट टू मिनट काम चलता है, इवन सेकंड्स टू सेकंड काम चलता है। तो इससे ऑथेंटिसिटी पब्लिक की बढ़ जाती है, जागरूकता निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो सब एक्सपोजर हो रहे हैं, वो सब फॉरेन जाके देख के आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इसका काम होगा। और निश्चित तौर पर जागरूकता के साथ जिस प्रकार की टेक्निक का डेवलपमेंट अब हमने शुरू किया है, जिस प्रकार से AI के थ्रू मैनेजमेंट शुरू हो रहा है, तो भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन हम सबको मिलकर काम करना, जैसे आपने ये कार्यक्रम है, ऐसी जागरूकता के कार्यक्रम होंगे तो लोगों को निश्चित तौर पर हम अच्छा रिजल्ट जल्दी दे पाएंगे। ईगल रोड सिस्टम, आपने बहुत काम किया है इस पर, थोड़ा सा हमें ये समझाएं और इससे कैसे मदद मिल रही है अभी। ये एक ईगल आई रोड कॉन्सेप्ट हम लोग लाए थे सड़क सुरक्षा के लिए और इवन जो अपराध नियंत्रण है उसके लिए। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक रोड के पैच में जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है, वहाँ पे हम सारे जो टर्न्स हैं उन पे हम नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन कैमरा लगा दें। इसके अलावा जो हर 100 मीटर की दूरी पे कोई ना कोई कैमरे का रीच हो, वहाँ पे डेंस कैमरा कवरेज वाला इलाका हो, और उसमें पब्लिक का सहयोग हम लोगों ने लिया। उसमें फ़ायदा ये हुआ कि उसमें इतना एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हुआ लोगों का, क्योंकि जब कैमरे की रीच है और मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू बड़े अच्छे से उसको प्रचार प्रसार हुआ कि इस रोड में इस प्रकार का है, तो चैन स्नैचिंग की घटना है, बैग स्नैचिंग घटना है, वहाँ पर नियंत्रित हो गई, लोगों का ट्रैफिक डिसिप्लिन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार वॉच हो रहा है और यहाँ पे कार्रवाई होगी। अगर नंबर प्लेट आपकी पढ़ ली जाएगी तो आपको घर से भी पकड़ के लाया जाएगा अगर आप स्पॉट से निकल जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन डेवलप करने का ही ईगल आई रोड जो कॉन्सेप्ट है, और उसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, पदयात्री जो पैदल यात्रा करता है वो भी कई बार हादसों के लिए कारण, बड़ा कारण बन जाता है। अपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो नहीं किया, अपने सिग्नल को फॉलो नहीं किया और बड़े हादसे हो। जी, हमारे यहाँ भी एक ITMS करके एक सिस्टम अभी डेवलप हुआ है, और ITMS में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कुछ कुछ चौराहे पे काम करना शुरू कर दिए। जो ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं, उसमें सभी तरह के हैं जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मतलब पैदल यात्री को रास्ता नहीं दे रहे तो ऐसे बाइकर्स के खिलाफ या ऐसे चालकों के खिलाफ भी हम उसमें कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो हमने जगह जगह जागरूक के हिसाब से हमने उसके पोस्टर भी लगाए हैं। उसमें यह है कि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम पीछे की तरफ से आ रहा है ज़्यादा है, तो सिग्नल जो है अपने हिसाब से वो डायनेमिक हो जाएगा। तो अगर उसको सिग्नल का टाइमिंग ज़्यादा मिल जाएगा, अगर जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है और जहाँ से ट्रैफिक कम आ रहा है तो वहाँ से सिग्नल का टाइम कम हो जाएगा। प्रशांत जी, युवाओं पर कितना फोकस ज़रूरी है, ख़ासतौर से ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन की अवेयरनेस के मद्देनज़र? टेक्निक के माध्यम से हम यूथ को अगर टीच करेंगे और टेक्निकल डेवलपमेंट हमारा जितना अच्छा होगा, जैसा कि आगे वाला समय जो है पूरा AI का और मशीन का समय आने वाला है, तो हमारा सारा टेक्निकल डेवलपमेंट है। एक जब मैं ट्रैफिक में यहाँ काम करता था तो हमारे कुछ IT के विद्यार्थियों ने आके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, और सॉफ्टवेयर को अपने कि गाड़ी में एक डिवाइस होगी, अगर गाड़ी चलाने वाला बैठेगा और वो शराब पी के बैठा हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और उसका पॉपअप ट्रैफिक को या उसके किसी संबंधित नंबर को। तो ये इस लेवल पे जाके टेक्निक का डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो आगे का समय जो मशीन लर्निंग का जो टाइम है, AI का जो समय है, उसमें यूथ को
टेक्निक के माध्यम से डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यूथ टेक्नो से भी हमारा देश का, और वो टेक्निक की भाषा समझ जाता है, और टेक्निक की भाषा हम उसको समझाएंगे कि भाई आप अगर आप रेड लाइट वायोलेट करोगे तो आपका चालान कट के और आपके अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट से डिडक्शन होगा, डेफिनेटली इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बातचीत हमारे इन दो खास मेहमानों से हुई है। वाम थैंक्स दोनों खास मेहमानों का, मनीष अग्रवाल जी, प्रशांत चौबे जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी प्रशांत कटारे, मेरे सहयोगी की, और साथ ही प्रथम नागरिक शहर के पुष्यमित्र भार्गव जी। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका बहुत स्वागत है, मंच पर आइए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुमेश बेंजल सर, आपका भी बहुत स्वागत है, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHAI के। और इस सेशन का नाम है नियमों का करे सम्मान, सफर में रहे सावधान। प्रशांत, ओवर टू यू। बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर से सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पुष्यमित्र जी, हादसों में जान गंवाने वालों में दोपहिया वाहन चालकों की संख्या अमूमन ज्यादा होती है। इसके मद्देनजर मैं शहर पर आऊंगा, फोकस इंदौर पर करूंगा। इंदौर में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए जा रहे हैं? एक तो ई रिक्शा की पॉलिसी मुझे लगता है कि देश भर में बननी चाहिए, एक नए कानून को बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर शहरों के लिए, जहां हम ई रिक्शास को प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन उनके ऑपरेशन, उनके रेगुलेशन की कमी है, तो वो एक बड़ा कारण है जो शहर में एक्सीडेंट को, विशेषकर जो आपने टू व्हीलर का विषय कहा है, उसको हर दृष्टि से कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है। और शहरों में एक्सीडेंट कम हो, अगर आप देश के सारे टू टायर थ्री टायर शहरों को उठाकर देखेंगे तो उनमें बढ़ा हुआ क्राइम इस कारण से भी है कि एक्सीडेंट ज़्यादा है, एक्सीडेंट को एज अ क्राइम रजिस्टर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर शहरों में क्राइम पे कंट्रोल माना जाएगा तो ये एक्सीडेंट भी उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और उसके लिए अब केवल एकमात्र एक ही बात की आवश्यकता है कि जैसा स्वच्छता को लेकर देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और इस देश ने उसको करके बताया, तो ट्रैफिक को लेकर अब लोगों में आह्वान के साथ साथ वो जन जागरण जो हमने स्वच्छता के लिए किया है उसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपका बहुत विशेष धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर और लोगों में संवेदना जागृत करने का जो काम आपने किया है वो इसमें एक बड़ा योगदान होगा। सुमेश जी, थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा, NHAI हम देखते हैं एक बाईपास बना शहर के, फिर 10-15 साल बाद वो भी क्राउड हो गया, फिर दूसरा बाईपास बना, प्लानिंग क्या होती है, कैसे प्लानिंग होती है और किन बातों को ख्याल में रखते हैं आप? किसी भी बाईपास को प्लान करने के पहले सारा जो एरिया है उससे 3-4 किलोमीटर जो अर्बन बेल्ट है उसको हम लोग एक्सटेंशन मानते हैं, और ये मानते हैं कि आने वाले 20 साल से 25 साल का विजन हम किसी शहर को देना चाहते हैं। भारत शासन ने अभी निर्णय लिया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि वेस्टर्न बाईपास 64 किलोमीटर का और ईस्टर्न बाईपास 77 किलोमीटर का यहाँ इंदौर के अंदर बना रहा है, टोटल 141 किलोमीटर का ईस्टर्न और वेस्टर्न बाईपास है जो आने वाले इंदौर के लिए 30 साल का विजन देंगे। पुष्यमित्र जी, सड़क पर हादसे ज्यादा होते हैं, लोगों के अंदर डर रहता है कि अगर हम मदद करेंगे तो किसी कानूनी पेच में फंस जाएंगे, वो एक बड़ा कारण होता है। एक्सीडेंट में मदद का जो आपका प्रश्न है इसको लेकर बहुत जनजागरण है और सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ये ले डाउन कर चुका है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि यदि कहीं एक्सीडेंट हो तो उस आदमी को हम हॉस्पिटल लेकर जाएं, और हॉस्पिटल के लिए भी ये डायरेक्शंस इश्यूज हैं कि वो उसको किसी लीगल हर्डल में ना फंसाते हुए पहले उसका ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करें। और अब इसको लेकर लोगों को सम्मानित करने का भी काम शुरू हुआ है, तो कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं बाल मन में अगर कोई चीज़ सेट हो जाए तो वो पूरे जीवन रहेगी। हमने अपने स्कूल्स में स्वच्छता का अभियान जब शुरू किया तो सबसे पहले स्कूल में और कॉलेजों में बच्चों को इस बात के लिए जागृत किया कि घर का कचरा, सड़क का कचरा कहाँ फेंकना है, फिर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को टोकना शुरू किया। इसलिए हमने इंदौर में अभी पिछले एक साल से स्कूल कॉलेजेस में ट्रैफिक रूल के अवेयरनेस का कैंपेन शुरू किया हुआ है। अब बच्चे अपने परिवार में लोगों को बताते हैं कि गाड़ी में कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कैसे करना है, तो बच्चों की ट्रेनिंग
एक पीढ़ी की ट्रेनिंग के साथ साथ अभी जो वर्तमान की पीढ़ी है जो लीड कर रही है उसकी भी ट्रेनिंग करती है। बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास दोबारा। बैंजल जी, थोड़ा सा NHAI में फिर समझना चाहूँगा, एक तो ये कि हादसों पर कैसे अब मॉनिटर हम करते हैं, दूसरा जल्दी से जल्दी लोगों तक हेल्थ से जुड़ी सेवाएं पहुंच पाएं, तीसरा सिस्टम भी अब बदल रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए, अब जो टोल गेट हैं उनका सिस्टम भी कुछ बदला है। हाईवे पर जो है सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहली बात है हमारा लेन का अनुशासन। हमारी जो इनर लेन है वो आपकी हाई स्पीड के लिए है, आउटर लेन है वो लोअर स्पीड के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या आई हमारे यहाँ कि मीडियन क्रॉसिंग का काफ़ी बड़ी समस्या है, जिससे कि लोग बहुत दिक्कत होती है और मीडियन क्रॉसिंग से अचानक कोई आदमी बीच में निकल आता है तो हादसों का बहुत बड़ा कारण बनता है। और तीसरा ये सवाल था आपका टोल प्लाजा का, तो NHAI ने जब फास्ट ट्रैक हमारे देश में हम लोग ने लॉन्च किया उस समय तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इसको इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल मिलेगा। और इस समय आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब हमने टोल कलेक्शन चालू किया था उस समय हमारा फास्ट ट्रैक के थ्रू पर डे कलेक्शन 100 करोड़ रुपए था, आज की तारीख में पिछले मंथ हमारा 214 करोड़ रुपए का हमारा टोल कलेक्शन है और मैक्सिमम हमारी रोड 90% प्लस फास्ट ट्रैक से जो है वो चल रही है। पुष्यमित्र जी, आखिरी सवाल है, इंदौर ने देश को बताया है कैसे अपने आप को स्वच्छ रखा जाता है, ये उदाहरण हम आशा करें कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी इंदौर पेश करेगा। देखिए, इंदौर ये पेश कर चुका है जी, थोड़े समय के लिए किया लेकिन उसने करके बताया। पिछले साल जनवरी में 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया और इंदौर के ट्रैफिक पुलिस ने, नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने और हमारे ट्रैफिक मित्रों ने मिलकर 7 दिन चौराहों पर वॉलंटियरिंग की, लोगों को अवेयर किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि उन 7 दिनों में इंदौर की किसी भी सड़क पर जाम नहीं लगा, कोई बड़े अप्रिय एक्सीडेंट की घटना नहीं हुई। तो ये छोटे से प्रयास से संभव है और हम इसी ओर बढ़ रहे हैं कि ये स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर अब ट्रैफिक में नंबर 1 बने। इसलिए हमने कई सारे नवाचार ट्रैफिक को लेकर इंदौर में कर भी दिए हैं, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू होगा। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि इंदौर उसी तरह का उदाहरण पेश करेगा जैसे स्वच्छता के मायने पर, पैमाने पर देश को बताया है कि कैसे अपने आप को बेहतर रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, पुष्यमित्र जी, बंजर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उमाकांत चौधरी जी का, जो कि DSP ग्रामीण है, और साथ ही प्रफुल जोशी जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी मंच पर, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। रोड सेफ्टी एनालिसिस्ट एक्सपर्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। और इस सेशन का जो थीम है वो है, जो सतर्क है वही सुरक्षित है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल तो उमाकांत जी आपसे ही, आपको क्या लगता है क्या वजह है एक्सीडेंट्स की? इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि तेज गति से लोग वाहन चलाते हैं और एक बड़ा कारण इसमें यह भी है कि लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं। तीसरा है कि जिस पे हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी, तो ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। प्रफुल जी, सवाल ये है, ट्रैफिक के नियम के बारे में कुछ बताइए। ट्रैफिक के नियम, यहाँ पर 4 नियम तो रोड साइन बोर्ड जहाँ मैं बैठा हूँ आसपास देख रहे हैं आप, मेरे स्टूडेंट्स मैं आपसे बोल रहा हूँ, कोई बता गया मैडम के पीछे वाला सिग्नल क्या है, साइन बोर्ड बता पाएगा कोई? स्पीड ब्रेकर या फिर आगे रिम्पल रोड है, मेरे पीछे एकदम आगे जाके नेरो रोड। आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने एक वर्ड यूज किया, जैसे मैंने बोला वो रिम्पल है तो आगे रिम्पल रोड है, ये ट्राइंगल साइन है ना। ट्रैफिक साइन आर 3 काइंड्स, 3 प्रकार के ट्रैफिक के साइन होते हैं। नंबर 1 ऑर्डरी, आदेश देने वाले। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन देने वाले, और 3rd इज कॉशनरी, चेतावनी देने वाले। ठीक है, ये जो साइन मैडम के पीछे लगा है ये चेतावनी दे रहा है कि आपके आगे रिम्पल रोड आ रही है या स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप उस हिसाब से अभी से सावधान हो जाइए। लेकिन ये जो रोड है आगे जाके नेरो हो रही है, यहाँ मेरे पीछे वाला जो मैं साइन के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आदमी को ध्यान ही नहीं कि आगे जाके नेरो रोड होने वाली है, हम उसी रफ्तार से जा रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि साइन बोर्ड के हिसाब से आपकी मेंटेलिटी रोड पर चेंज हो जाना चाहिए। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये शायद गूगल पे भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी, टोटल ट्रैफिक के साइन कितने होते हैं ये मालूम है किसी को? टोटल ट्रैफिक के जो साइन होते हैं आज तक की बात कर रहा हूँ, 964, कितने? 964 ट्रैफिक के साइन है आज तक। इसमें से 144 ट्रैफिक साइन से इंडिया का ट्रैफिक रेगुलेट होता है, जिसका बेजल साहब यूज करते हैं, इनके NHAI अप्रूव करता है 144 ट्रैफिक साइन। उसके बाद 3rd क्वेश्चन, MP का जो RTO रहता है वो जब आप जाते हैं RTO की एग्जाम देने तो एक चार्ट मिलता है जिसको याद करके ट्रैफिक की हम एग्जाम देते हैं, उसमें 84 ट्रैफिक साइन होते हैं MP में। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक के नियम पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद
सजा क्या होगी ये बताएंगे उमाकांत जी। सजा के प्रावधान तो बहुत, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से जो भारत सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, वो कड़े से कड़े प्रावधान ट्रैफिक को लेकर कर रही है कि अगर लोग इनकी अवहेलना करते हैं और लोगों की जान लगातार जा रही है तो उसको रोकने के लिए ये कड़े प्रावधान हैं। इसमें 25,000 तक के जुर्माने हैं, साथ में सजाओं का भी प्रावधान है, और जो अमेंडमेंट आगे आने वाले टाइम में होंगे वो भी बहुत ही कड़े होंगे। बिल्कुल सर। प्रफुल्ल जी, कोई संदेश जो आप देना चाहें? एक ही बात ध्यान रखना कि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। आपको ये जिंदगी मिली है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, एंड दिस लाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना है कि जो आपकी जिंदगी है ये आपके माँ बाप की है। आपकी एक गलती आपको पता नहीं कहाँ इम्पैक्ट करेगी और आपके परिवार को कितना पीछे कर देगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अपने सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों के लिए पागल हो जाइए, लेकिन बस एक ही चीज ध्यान रखना कि रोड पे पागलपन मत दिखाना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात है आपने की, और बहुत शुक्रिया मकान सर आपका भी। थैंक यू। इसी के साथ सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर, नॉलेज पार्टनर सेव लाइफ फाउंडेशन के मंच पर सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग बिहेवियर में बदलाव, अवेयरनेस और सावधानियों से जुड़े कई जरूरी इश्यूज पर बातचीत की गई है। इसीलिए हम अपने सभी पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स का शुक्रिया करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां पर आए हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपनी मौजूदगी से आज का ये आयोजन सफल, शानदार और बहुत ज्यादा यादगार बना दिया है, और सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर की इस नेशन वाइड कैंपेन को और भी ज्यादा मजबूती दी है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।